जल ही जीवन है, लेकिन सोचे अगर लोगों को पीने के लिए जल ही नहीं मिलेगा तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। गया के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की संकट कुछ ऐसी हो गई है कि वहां पर लोग दर दर पानी के लिए भटक रहे हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी के साथ ही गया जिले में पानी संकट की समस्या भी बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बात तो छोड़िए, शहरी क्षेत्र में भी पानी की गंभीर समस्या हो गई है। आलम यह है कि लोग पानी की किल्लत से परेशान होकर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। गया जिले के शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के शिवनगर कॉलोनी में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ लोगों के घर की बोरिंग फेल हो रही है। शिवनगर कॉलोनी है, 3 नंबर वार्ड है। समस्या पानी का समस्या है बहुत। लड़कन बुतरू स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ाई लिखाई सब बंद है, रोजगार भी है सब बहुत कम है। थी हम लोग को उतना आमदनी भी नहीं है कि इसे करेंगे सब कुछ, बोरिंग करें चाहे कुछ भी करें, हम लोग के तो उतना है नहीं कि करेंगे। ठेला निकलता है तो चलता है, नहीं चलता निकलता है तो बंद रहता है। हम लोग के घर बोरिंग नहीं है, घर में बोरिंग सूख गया था। ये सरकारी जो गंगा जल कटवाया हुआ है नहीं, पानी नहीं आया है। कितना दिन से पाइप लगा हुआ है? साल भर से ऊपर हो गया है, पानी नहीं आया। नहीं पानी आया, दूसरा साल चल रहा है। 2 साल से हम लोग पानी दिक्कत से चल रहे हैं, बहुत कठिन से पानी चल रहा है, लाते हैं हम लोग से तो आता भी नहीं पानी, आधा हो जाता है पानी, लाते हाफ भी जाते हैं, भीन जाता है, आधा गिर जाता उधर। बिहार सरकार की 7 निश्चय में शामिल हर घर जल की योजना अब भी लापता नजर आ रही है और सीएम नीतीश के वो तमाम दावे फेल हो रहे हैं जिसमें सीएम और सरकार के कहते नहीं थकते कि हर घर जल योजना का लाभ पूरे बिहार में हो रहा है। इस योजना के धरातल पर उतरने की बात तो छोड़िए, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से ही अनजान हैं। तो यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगी कैसे, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं जो वहां की तस्वीरें बयां कर रही हैं। समस्या हो रहा है, दूर दूर से पानी लाने जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे पानी के कारण, बहुत दिक्कत होता है सर। नहीं सर, पानी नहीं आया, नल तो लगा हुआ है लेकिन पानी उसमें आया ही नहीं। लगा हुआ नल तो 6 महीना 7 महीना हो गया सर लगे हुए, लेकिन अभी तक पानी का कोई बोरिंग, घर का बोरिंग तो सर फेल हो गया। नहीं तो कैसे, काफ़ी दिक्कत होता है पानी, बाहर से ही लेके काम चलाते हैं, पानी खरीद के भी लाते हैं। हाँ, पीने का पानी तो आता है बाहर से। तो किसी अधिकारी से नहीं बात की आप लोग? सर गए थे, सब लोग गए थे मोहल्ले से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। हर घर गंगा जल योजना को लेकर बिछाए गए पाइप पिछले 1 साल से शोभा की वस्तु बनी हुई है, किसी भी घर को पानी का कनेक्शन नहीं मिला है। लोग जैसे तैसे काफी दूर से पानी लाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से टैंकर से पानी मुहैया तो होती है, पर इसे पाने के लिए लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम और जिला अधिकारी लोगों की समस्याओं से रूबरू हैं, लोगों को आश्वासन भी मिलता है पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, 200-300 रुपया इनकम होता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। घर में बोरिंग सूख गया है, बाहर से पानी लाना पड़ता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, अब दो दो वो लड़की सियान से कहाँ निकलेगी पानी के लिए। सारा दिन हम लोग का हालत ख़राब है, रात में सोते हैं नींद नहीं आता है, पानी का चिंता सताया रहता है कि सुबह होगा फिर पानी लाने जाना, वापस हमको वहीं जाना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग सर। आप हम लोग नगर निगम दौड़ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, दोपहर में आते हैं जाते हैं, DM के पास जा रहे हैं, मैडम के पास जा रहे हैं, गणेश पासवान के सब जा के हाथ जोड़ जोड़ के हम लोग पानी मांग रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है हम लोग में। हर घर गंगा जल के तमाम दावे सरकार के फेल हो रहे हैं, ग्रामीणों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है, लोगों को सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता है, उनकी परेशानियां दूर नहीं हो रही। बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ता जल संकट आखिर कब दूर होगा, लोगों को कब इसका समाधान मिलेगा, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है।